हाय, मैं मुश्ताक अली अलवर से। मैं RCI बानसूर एजुकेशन हब में एज ए HOD बायोलॉजी अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं थोड़ा सा इसके बारे में, मैं यहां पर बायोलॉजी के बारे में पूरी देख रहा हूं कि नीट 11-12 फाउंडेशन के बारे में देख रहा हूं। मैंने और भी जगह कई जगह वर्क किया है, अलवर में किया है, कई सारी कोचिंग में वर्क किया है। तो हमने वहाँ से और यहाँ में कई वातावरण में डिफरेंट देखा है, बच्चों में डिफरेंट देखा है, जैसे बच्चों के मार्क्स में डिफरेंट देखा है। और बच्चे जैसे जिस तरह से एक अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर अपनी वो स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे हमारा एक कैंप चलता है, जैसे कोचिंग हो जाती है, उसके जस्ट एक घंटे के लिए डाउट सोल्व करने के लिए अलग से दिया जाता है। और मॉर्निंग में देखते हैं तो हम 8 बजे, हमारी क्लास है यहाँ पर 9 बजे से स्टार्ट होती है, तो हम 8 से 9 बच्चों को डाउट के लिए देते हैं। तो नीट की स्टडी जैसे एक एजुकेशन में भी बात करें, हम अलवर में ही बात करें, अलवर की या फिर आसपास की बात करें, तो RCI एजुकेशन जो हब है बानसूर है, वो नीट के लिए एक बेस्ट प्लेस है और एक बेस्ट संस्थान है। मेरा मानना ऐसा है, मैंने और जगह जैसे वर्क किया है तो मैंने जहाँ जहाँ भी देखा है, तो यहाँ पर एक मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से जो करवाया जाता है, यहाँ पर डिजिटल जो भी सेवाएं दी जाती हैं सारी, और हर जगह मतलब मोटिवेशन सेमिनार जो नहीं होते हैं, यहाँ पर हर शनिवार को मोटिवेशन सेमिनार की तरह पर, और जगह जगह से बड़े बड़े जो भी है मोटिवेटर वहाँ पर अवेलेबल कराने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, जैसे कोई सक्सेसफुल एक पर्सन बुला लिया उससे मोटिवेट करवा दिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चों को दी जाती है। और उन बच्चों को टेस्ट हमने जैसे स्टार्टिंग में हम जब लाइव आए थे, हमने तभी भी बताया था कि हमारे यहाँ पर डे हर संडे या फिर एक संडे छोड़कर एक संडे टेस्ट करवाए जाते हैं। वो हम अभी भी ऐसा नहीं, कुछ कोचिंग में होता है कि सर 2 महीने टेस्ट सीरीज करवा दी उसके बाद फिर बिगाड़ दिया, यहाँ पर कंटिन्यूटी वही शेड्यूल जब हम आए थे तब से हमने जो प्लानिंग की उसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम आज भी वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बढ़िया एक तक फील होता है कि हाँ बच्चों के साथ में, और हमने नंबर देखे हैं टेस्टों में, नंबर देखे हैं। हम जब पेपर बनाते हैं 11th बेस पे नहीं बना, टारगेट बेस पे भी 11th वाले बच्चों को पेपर देते हैं, तो बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ 360 में से बच्चों के 300+ नंबर आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसा ही नहीं है कि हमारे बनाए हुए पेपर ही बच्चे सोल्व करें, मैं तो कहता हूँ कि कोई भी बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट का या फिर हमारी कोचिंग हब का, अगर अदर कोचिंग के भी कोई क्वेश्चन अगर लाके देते तो हमें पूरा फुल कॉन्फिडेंस होता है हमारे बच्चे पर कि पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकता है इस मामले। और दूसरी बात, यहाँ लगभग सिखाया जाता है, टीचर्स के द्वारा मोटिवेट किया जाता है, 7 से लेकर 8 आवर तक हम उनको स्टडी के लिए मतलब मोटिवेट करते रहते हैं घर पर। जैसे उनकी हमने अलग अलग से डायरी बनवा रखी है, घर पे जो भी गार्जियंस होते हैं उनसे हम इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, उसके बाद में हमारी पेरेंट्स मीटिंग में जब उनसे मुलाकात होती है तो हमारी, हम तब भी उनसे चर्चाएं करते हैं कि भाई आप कितना मोटिवेट कर सकते हैं, हम कितना हेल्प कर सकते हैं आपके लिए। बच्चों को बुलाया जाता है, जे गार्जियन के विद गार्जियन के साथ में बुलाया जाता है, उसके बाद आगे के फ्यूचर के लिए तैयारी करवाई जाती है कि भाई आगे आपको ऐसा करना है। और मैं तो मानता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को अगर बेस्ट प्लेस चाहिए और फर्स्ट टाइम में अगर कोशिश करनी है कि भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए नीट में, तो आइए आप एक बार बानसूर RCI एजुकेशन हब में एक बार मौका दीजिएगा और एक बार आइए, एक बार डेमो लीजिएगा, बहुत शानदार एजुकेशन हब है, एक बार आप जरूर मिल लीजिएगा। एक टेस्ट हमारे डायरेक्टर के द्वारा भी करवाया जाता है, क्या पता भाई हम अपनी मर्जी से पेपर बनाते हैं, रैंडमली टेस्ट आता है, उसमें भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और अभी तक जितना मैंने देखा है, जो हमने पढ़ाया है, मुझे लगता है बहुत बेस्ट स्कोर है, इससे और भी बेस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम दावा करते हैं कि बानसूर ही नहीं पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में बहुत शानदार रिजल्ट देने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि हमारे बच्चों को, मैं बहुत उत्सुक हूँ इस बात को लेकर कि हमारा जब भी रिजल्ट आएगा इन फ्यूचर बहुत शानदार आने वाला है। अब की बार हमारा डबल टारगेट रहेगा और शानदार परफॉर्मेंस करेगा।